हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ राजस्थानी केर सांगरी की सब्ज़ी। केर सांगरी की ये सब्ज़ी राजस्थान के साथ साथ इंडिया में सभी जगह बहुत पसंद की जाती है। केर सांगरी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है, ये चटपटी होती है और इसे आसानी से बनाकर तैयार किया जा सकता है और ये 2 से 3 दिन तक आसानी से चल जाती है। राजस्थान में शीतलाष्टमी पर केर सांगरी की सब्ज़ी बनाई जाती है, क्योंकि शीतलाष्टमी में राजस्थान के लोग ठंडा खाना खाते हैं, इसलिए इस सब्ज़ी को एक दिन पहले ही बनाकर स्टोर कर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये टेस्टी चटपटी केर सांगरी की सब्ज़ी बनाना। केर सांगरी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ ये सांगरी ली है, जिसे मैंने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में हल्दी और नमक डालकर भिगो दिया था। मैंने यहाँ सूखी सांगरी का यूज़ किया था, जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये देखिए, इस तरह से सूखी सांगरी मिलती है। इसके हमें साइड के कॉर्नर हटा देने हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। साथ ही मैंने यहाँ ये केर लिए हैं, जिसे भी मैंने 7 से 8 घंटे पहले पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। ये केर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप इसकी जगह केर का अचार भी ले सकते हैं, इसका टेस्ट भी इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही मैंने लिया है ये अमचूर, इसे भी मैंने पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। आप इसकी जगह कच्ची केरी का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर सीज़न में अवेलेबल है। साथ ही मैंने यहाँ कुछ किशमिश ली है, इसे भी मैंने पानी में भिगो दिया है। 2 तेज़पत्ता लिए हैं, साथ ही थोड़ा गुड़ लिया है। साथ ही सूखी लाल मिर्च को भी मैंने पानी में भिगो कर छोड़ दिया है। ये देखिए, 4 से 5 लाल मिर्ची ली हैं। सूखे मसालों में मैंने यहाँ हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा, हींग ली है। सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल लिया है। सांगरी को उबालने के लिए गैस पर मैंने पतीला लिया है, इसमें हम डाल देंगे सांगरी, साथ ही डाल देंगे 1 कप पानी, साथ ही हम इसमें डाल देंगे केर। केर को भी हम सांगरी के साथ उबाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केर सांगरी को हम फुल फ्लेम पर 3 से 4 उबाल आने तक उबाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसमें अच्छा उबाल भी आ चुका है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। मैं यहाँ सांगरी को तोड़कर देख लेती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है, मतलब ये अच्छे से उबल गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसका पानी निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम सब्जी बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, इसमें हम डाल लेंगे मसाले, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। इसमें हम पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। आप मसालों को अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप इसमें कम मिर्ची डाल सकते हैं। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मसाला बनकर तैयार हो गया है। गैस पर कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा, साथ ही डाल देंगे तेज़पत्ता। मैंने यहाँ हींग नहीं डाली है, आप चाहें तो इस वक्त इसमें हींग डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मसालों का पेस्ट, जो हमने तैयार किया था। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मसालों को लगभग 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, मसाले अच्छे से भून गए हैं, मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे भीगी हुई लाल मिर्चें, साथ ही डाल देंगे अमचूर, किशमिश, सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इन्हें भी हम लगभग 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे गुड़,
गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। गुड़ डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। गुड़ से सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल चटपटी सब्जी बनती है। गुड़ डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसे हटा लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे केरसांगरी। केरसांगरी का पानी मैंने निकाल दिया था। केरसांगरी को हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी दिख रही है ये। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लगभग 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, लिड को हम हटा लेते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार सब्जी बनी है। फ्रेंड्स आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इस गर्मा गर्म सब्जी को सर्व कर लेंगे। ये सब्जी ठंडी होने के बाद भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लीजिए दोस्तों, ये केरसांगरी की टेस्टी चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको राजस्थानी खाना पसंद है तो आपको राजस्थान आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही राजस्थानी रेस्टोरेंट ढूंढने की ज़रूरत है। आप घर पर बैठ के ही राजस्थानी खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।